स्वागतम, नमस्कार। आइए आप लोगों को फिर आज मैं बताने जा रहा हूँ सहज और सरल से किस प्रकार के ड्राइंग होते हैं। पार्ट थ्री में मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, मैंने पहले आप लोगों को बताए थे कि एक सादा वाला नोट ले लीजिए और इसमें एक पेंसिल और एक कटर और एक रबर, ये तीन चीजों से हमने आज ड्राइंग बनाएंगे। सहज और सरल से किस तरह की ड्राइंग होते हैं हम बताएंगे। मैंने पहले आपको बताई थी पार्ट टू में कि किस तरह के गोल होते हैं और गोल में किस किस तरह से ड्राइंग बनता है, उसी तरह से किस प्रकार के गोल होते हैं, कितने प्रकार के गोल होते हैं और गोल से हमने कितने प्रकार के सहज और सरल से ड्राइंग बनता है बच्चों के लिए, ये आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए और समझिए, अब ड्राइंग बता रहा हूँ आप लोगों को। हम ऐसे गोल बनाए थे, हमने बहुत प्रकार के गोल होना चाहिए, छोटा बड़ा जो भी होना चाहिए, छोटा बड़ा गोल होना चाहिए। एक पेज से पूरी तरह से बना लीजिए ये गोल। गोल बनाने के बाद हम दो नंबर से क्या करेंगे, इसे दो नंबर से हम दूसरा गोल बनाएंगे। नंबर दो देखिए, अंडे जिस तरह के होते हैं उसी तरह के हमें गोल बनाना चाहिए। तरह के गोल होना चाहिए और फिर जैसे बना लीजिए गोल, ये भी एक तरह के पूरे पेज से होना चाहिए गोल। और तीन नंबर से हमने ऐसे गोल बनाएंगे। नंबर तीन से हमने ऐसे गोल बनाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। पूरे पेज से ऐसा होना चाहिए। पूरे पेज से ऐसे बना लेना चाहिए तीन नंबर से। और चार नंबर से हमने बनाएंगे उल्टी तरह। नंबर चार में ऐसा होना चाहिए। चार नंबर में अब सब प्रकार के ड्राइंग बनाएंगे। गोल किस तरह से बनाते हैं ऐसे बना लेना चाहिए, फिर ऊपर से ऐसे बनाना चाहिए। ऐसा बनाने से क्या होगा, आप लोगों का आदत हो जाएगा कि आप अच्छे तरह से ड्राइंग बना पाएंगे। फिर ऐसे बनाएंगे हमने, चार नंबर से ऐसा होना चाहिए और फिर पांच नंबर से, चार नंबर में पूरे इस तरह से ड्राइंग होना चाहिए पूरे पेज तक। और हमने फिर पांच नंबर बनाएंगे गोल से। हमने आज ड्राइंग बनाएंगे, हमने एक बच्चे को पहले कहेंगे कि एक चिड़िया का ड्राइंग बनाओ, लेकिन बच्चे नहीं बना सकेंगे,
तो चिड़िया किस तरह से होते हैं गोल से देखिए। पहले ऐसे बना लेना चाहिए, फिर ऐसा ही बना लेना चाहिए। देखिए ये पहले 1 2 इसको यहाँ में जोड़ लीजिए, इसको यहाँ में जोड़ लीजिए और यहाँ में इसका रबर को इसे मिटा लीजिएगा, जो भी यहाँ का दूसरा गार बन जाएगा उसे आप मिटा लीजिए। फिर ऐसे बना हम यहाँ निकालेंगे इसको, ऐसे सुधार लेंगे यहाँ आ गया चिड़िया, ऐसे यहाँ मिटा लेंगे हम, ऐसे भी मिटा लेंगे इसे। बस चिड़िया बन गया, यहाँ का ऐसे आँख बना लेंगे। फिर गोल से हमने इस तरह से बनाते हैं, देखिए फिर इस तरह से देखिए, फिर एक गोल बना लीजिए, पूरे पूरे गोल बना लीजिएगा आप। इसे लेकर हमने ऐसा बनाएंगे, और तोता का कैसे होते हैं बस इसे मिटा लीजिएगा, इसे मिटा लीजिएगा बाद में। इसे मिटा लीजिएगा, इसे निकाल लीजिएगा। बस एक तोता बन गया। यहाँ में हम ऐसे फिर एक पेड़ की एक डाल बना लेंगे, पेड़ की एक डाल बना लेंगे। इसे एक डाल बना लीजिएगा, आगे छोटे छोटे पत्ते
आइए छोटे छोटे पत्ते भर लीजिएगा, जहाँ डाल अच्छी तरह से दिखाई देगा, एक तरह से डाल ऐसा भी होना चाहिए। तोता बन गया। फिर देखिए इस गोल से हमने फिर किस तरह से चिड़िया बनाते हैं, हर तरह से इसे गोल में चिड़िया होना चाहिए। ऐसे चिड़िया बना लीजिएगा, इसे यहाँ मिला लीजिएगा, इसे यहाँ मिला लीजिएगा, इसे यहाँ मिलाकर बनाए हैं। फिर किस तरह से ये देखो पांच नंबर में बहुत सारे जिससे भी जिसकी भी तोते के आप पेंटिंग बनाना चाहेंगे, ड्राइंग बनाना चाहेंगे, इसे गोल से ही पहले बनाना चाहिए। हमें एक नक्शा बनाना चाहिए, एक नक्शा बनाना पहले चाहिए, गोल से किस तरह से ड्राइंग होते हैं, फिर इस गोल से किस तरह से हम ड्राइंग कर पाएंगे। देखिए दो गोल बनाने में से आपको सहज हो जाएगा ये तस्वीर बनाने के लिए, दो गोल बनाने में से आप लोगों को सहज ही हो जाएगा। जिससे भी तोते के आप तस्वीर बनाओ इस तरह से बन पाएंगे। गोल से हमने आज सिर्फ दो प्रकार की चिड़िया की तस्वीर बनाई। इससे आगे आगे आप देखना चाहिए इस प्रकार के गोल से बहुत सारे बाद में ड्राइंग हो पाएगा। अगर आपको ये ड्राइंग अच्छा लगता है तो आप लोग इससे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फिर शेयर कीजिए, ये स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत अच्छे काम में आ जाएगा। आप सबों को सर्वश्रेष्ठ के जोर से नमस्ते।